हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, आज की कंडीशन की बात करें तो एक नया बाउंड्री हाई सेट किया, जबरदस्त कंडीशन है, 20% का इसमें जंप देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ एक जबरदस्त बड़ी न्यूज अनाउंस हुई है। न्यूज क्या है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो आज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज की हाई की बात करें 956 रुपये इसका आज का हाई है, लो की बात करें तो 872 रुपये 35 पैसे इसका आज का लो। अगर बाउंड्री हाई की बात करें तो ऑफकोर्स एक नया बाउंड्री हाई सेट किया है। अगर बाउंड्री लो की बात करें 181 रुपये से चल के 956 रुपये तक ऑलरेडी जा चुका है करीब करीब। यहाँ पर अगर जंप की बात करें तो एक जबरदस्त बड़ा जंप जो कि 5 गुना के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है एक साल के अंदर। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो टॉप लेवल की है, टॉप पर है अभी। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो काफ़ी सारी चीज़ें बेटर नज़र आ रही है। आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें अगर NSE पे तो यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, करीब करीब 4.5 करोड़ क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि NSE पे ट्रेड हुआ है। BSE की बात करें तो BSE पर भी 17 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एंड अगर बात करें इसके शॉर्ट की तो 13 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है, 7 अपॉर्चुनिटीज हैं, 4 थ्रेट नजर आ रहे हैं। एंड अगर बात करें आज की तो यहाँ से लेके कंटिन्यू इसमें बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। अगर बात करें सितंबर से लेके और अभी तक तो यहाँ पर ज़्यादा 1.5 महीने में एक बड़ा जंप देखने को मिला है IEX में। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस जो इसके सेंटीमेंट की तो 80% बाय का, 16% सेल एंड 4% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की तो क्वार्टरली अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। रेवेन्यू की बात करें 91 CR का रेवेन्यू इसने जो कि जून 2021 में शो किया था। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो कि 62 करोड़ जिसने जो कि अर्न किया था जून 2021 में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर की भी है, इट मींस कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एंड इसके अलावा अगर बात करें प्रोमोटर की तो प्रोमोटर एंट्री बिल्कुल 0 है, इट मींस कि यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग अभी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। एक बहुत ही बड़ा इवन जो कि ऑफकोर्स जो कि मैटर होगा ये। अगर बात करें तेजस का तो गाइज यहाँ पर तेजस में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले तेजस में भी कोई प्रोमोटर होल्डिंग मौजूद नहीं थी। सेम अगर बात करें यस बैंक की तो यस बैंक में भी अभी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, बिल्कुल 0 है। एंड गाइज ऑफकोर्स एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी प्रोमोटर की तो गाइज यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा खासा जंप देखने को मिला है मिलेगा। एंड ऑफकोर्स एक बड़ी न्यूज तो आज अनाउंस हुई ही है। एंड अगर बात करें FII की तो 37.74% यहाँ पर FII की होल्डिंग है। डोमेस्टिक की बात करें तो 23.14% यहाँ पर डोमेस्टिक की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 38.81% होल्डिंग है, 0.31% के साथ यहाँ पर अदर्स की एंट्री भी मौजूद है। एंड इसके अलावा FII की बात करें तो होल्डिंग को इंक्रीज किया गया है जून सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक की बात करें डोमेस्टिक होल्डिंग जो कि इसमें डाउनफॉल ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें पब्लिक होल्डिंग में अपसाइड देखने को मिल रहा है। अदर्स की बात करें तो अदर्स की एंट्री में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है IEX में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है सेप्टेम्बर क्वार्टर में। एंड इसके अलावा अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ शेयर की तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इवन जो मार्केट में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं वो है 29,95,56,511 क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसमें एंड ऑफ कोर्स अब जो न्यूज अनाउंस हुई है वो इसी से ही रिलेटेड है, बोनस इश्यू कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स गाइस जिसकी वजह से आज 20% का एक बड़ा जंप जो कि IEX में देखने को मिला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। एंड अगर बात करें इसके अलावा IEX बोर्ड टू कंसीडर बोनस इश्यू ऑन October 21st जो सो गाइस 21 अक्टूबर को एक बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें जो कि अनाउंसमेंट करनी है कि कैसे ये बोनस इश्यू करेगा, क्या इसका रेशियो रहेगा, कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैसे किस रेशियो में बोनस इश्यू किया जाएगा। तो ऑफकोर्स एक बड़ा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है 21st of October को एक जबरदस्त अनाउंसमेंट के साथ यहाँ पर आना, ऑफकोर्स जो कि एक जबरदस्त न्यूज आनी बाकी है अभी IEX की बात करें। और इस न्यूज की बात करें तो हर जगह फ्लैश है, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग में
20% का अपर सर्किट लगा था। एंड ऑफ कोर्स गाइस मार्केट में एक काफ़ी डाउनफॉल भी आया था। अगर बात करें आज दोपहर की बात करें तो एक जो कि काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला करीब करीब 200 पॉइंट के। तो गाइस ऑफ कोर्स अगर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स को भी ध्यान में रख के ही चलना होगा, क्योंकि अभी जो मार्केट है सेंसेक्स है वो टोटली पीक पर है। ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। कोई भी बाय करें, कुछ कोई भी शेयर बाय करें, चाहे IEX करें या फिर कोई और शेयर बाय करें, ऑफकोर्स थोड़ा सा सेंसेक्स को भी ध्यान में रख के चलना होगा। इतनी ही क्वांटिटी बाय करें। इन फ्यूचर अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है मार्केट के साथ तो आप उसको एवरेज कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।